नमस्कार, न्यूज अब तक में आपका स्वागत है। इस वक्त हम खड़े हैं पहाड़ गांव थाना में, और ये जो गाड़ी खड़ी हुई है आपको दिखा देते हैं। ये जो ट्रक खड़ी है, ये शुक्रवार रात में गांव वालों ने पकड़े थे इसे, वो भी 11 चरमा के गांव वाले। उसके बाद में बाकायदा उस वार्ड के जो काउंसलर है उनका द्वारा जो है कंप्लेंट भी किया गया था कि LPG सिलेंडर, गैस सिलेंडर में जो है धांधली हो रही है, साफ तौर से कहा जाए तो चोरी हो रही है, क्योंकि इस पर लगभग 2 लोगों को जो है गांव वालों ने पकड़ा था, पुलिस ने नहीं, गांव वालों ने पकड़ा था। उसके बाद गांव वाले उन्हें पुलिस को कंप्लेंट करने के बाद पुलिस आए और उन दोनों लोगों को, और साथ में ये जो ट्रक दिखाई दे रही है, ट्रक को भी थाना में लेके आए पुलिस स्टेशन पहाड़ गाँव में। उसके बाद जो जगह पे जो है इस सिलेंडर को रखा गया था, जहाँ पे एक घर पे रखा गया था, वो घर भी हम आपको दिखाए, लोगों से भी बात करवाए, और उसमें साफ तौर से लोगों का कहना आसपास के कि वो घर पे ही सारा जितने भी सिलेंडर होते हैं रिम कंपनी के, इसके जो है डिस्ट्रीब्यूटर जो है रिम है, और रिम इंडियन को ही जो है इसका जो है डीलरशिप दी गई थी, और उनकी जो स्टाफ है उनके स्टाफ द्वारा जो है घरों में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो वैसे में उनके कर्मचारी जो लोगों को पकड़े थे गांव वाले, और बाकायदा उसका कंप्लेंट जो है काउंसलर ने की थी, कई लोग यहां आए थे और हमें बाइट भी दिए थे इसी थाने के सामने। शुक्रवार रात की बात है, आज तक जो है एक कंप्लेंट भी दर्ज नहीं हुई है इस कंपनी के ऊपर में हो या ये लोगों के ऊपर में जिनको जो है गांव वालों ने पकड़ने के बाद में जो है पुलिस को सौंपने के बाद में। अब तक जो है इस पर सुनने में ये आया कि FIR तो लॉन्च नहीं हुई है, जांच चल रही है। अब किस बात की जांच है, और शुक्रवार रात की मामला है घटना, और अब तक जो है इस पर कोई जो है FIR अब तक लॉन्च नहीं हुई है। किसको बचाने का कोशिश पुलिस प्रशासन कर रहा है ये समझ में नहीं आता, मगर साफ इसमें दिखाई दे रहा है कहीं ना कहीं पुलिस का काम गांव वालों ने किया, बखूबी किए, और इसमें 1-2 सिलेंडर की बात नहीं थी, इसमें लगभग जो है 50-60 सिलेंडर बरामद किए गए थे। लोगों को कहना है, हमें बाइट देते हुए उन लोगों ने कहा जिन्होंने जो है इससे पकड़े थे, उसके बाद में पुलिस को सौंपे, तो उसमें कहना ये था कि उन लोग जब वेट किए वेन मशीन से, तो उसमें पाया गया 5-6 kg जो है एक डोमेस्टिक सिलेंडर में कमी पाया गया था। एक सिलेंडर नहीं था, ऐसा कई सारे सिलेंडर थे जिसमें कमी पाया गया था। उसके बाद पुलिस को सौंपे, पुलिस भी वेट करे, हम लोग भी यहीं खड़े थे, पुलिस भी वेट करे, वेट मशीन लेके आए, वेइंग मशीन से वेट करने के बावजूद अब तक, और देखिए उसमें ऐसे लोग भी बताए, हमारे पास में फुटेज भी है जिसमें सिलेंडर में जो है सील जो लगी होती है उस सील भी निकाला गया था, सील जो है उसको रिमूव किया गया था, और उसमें जो है वेट भी कम आया, इसमें क्लियर दिखाई दे रहा है कि चोरी हुई है। और हमें जो सिलेंडर दिया जाता है LPG सिलेंडर, उसमें कम पाया गया, और कई बार इसका शिकायत न्यूज़ आप तक में भी आया, और आला ऑफिसर को भी जो है लोगों के द्वारा किया गया था। और इसको पकड़ने के बाद पुलिस प्रशासन आज तक जो है इस मामले में जो है कार्रवाई नहीं हुई है। शुक्रवार रात की है, अब तक FIR लॉन्च नहीं हुआ, जांच चल रहा है। इसमें साफ तौर से ये दिखाई दे रहा है कि रिम कंपनी को बचाने का कोशिश पुलिस प्रशासन द्वारा किया जा रहा है। क्या ये आम पब्लिक होता तो क्या इनके ऊपर में FIR लॉन्च नहीं होता, क्योंकि मामला चोरी से है और मामला लोगों को ठगने से है। वैसे में पुलिस प्रशासन इसमें देरी क्यों कर रहा है, ये पुलिस के ऊपर में पुलिस घेरे पे आता है इस मामले में, और देखना ये होगा कब तक जो है पुलिस प्रशासन इस पर FIR लॉन्च करती है। क्योंकि और इसमें सिर्फ FIR लॉन्च नहीं, ये लोगों के साथ में ये कंपनी ठगे हैं, इनके स्टाफ ने ठगे हैं, तो वैसे में पुलिस प्रशासन को ये ज़रूरी होता है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जो है जितने भी प्रेस वाले हैं सबको बुलाए, और इस पर जो है पूरा मामला प्रेस के सामने रखे, ताकि लोगों को समझ में ये आ पाए कि ये जो लोगों को पकड़े थे वो उन लोग कैसे जो है इसको चोरी को अंजाम देते थे,
और जानना जरूरी भी है लोगों को, क्योंकि ये सिर्फ एक व्यक्ति को ठगे नहीं है, इन लोग कई लोगों को ठगे हैं और कई दिनों से चल रहा है, कई सालों से भी हम कह सकते हैं, और ये पूरा मामला जो है लोगों के सामने आना जरूरी है। बने रहिए हमारे साथ में इससे जुड़े बाकी अपडेट के लिए, धन्यवाद। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज आज तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज आज तक, अब सच देखेगा अंडमान।